What the tech is going on friends, मेरा नाम है विकी डिकोडर की तरफ सर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे आप एक 2x2 रूबिक्स क्यूब को 6 या फिर 7 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, इट्स नॉट एन एडवांस्ड मेथड। आप बोल सकते हैं कि ये बस एक इंटरमीडिएट मेथड है। तो पहले मैंने जो मेथड आपको सिखाया था वहाँ पर बेसिकली आप पहले एक लेयर बनाते थे, उसके बाद आप एक एक करके ऊपर येलो लाने की कोशिश करते थे। इवन मैं उस मेथड को भूल भी चुका हूँ। जो भी आप ऊपर येलो लाते थे और उसके बाद कुछ ऐसे एल्गोरिदम डाल के आप इसको सॉल्व करते थे और कुछ इस टाइप का, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बस उससे थोड़ा सा इंटरमीडिएट मेथड। आपको बस कुछ एल्गोरिदम्स याद करना होगा, लेकिन सारे एल्गोरिदम्स बहुत ही ईजी होंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएंगे लाइक इन एनी अदर ऑफ माई वीडियोज़। तो देखते हैं कैसे करते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत तक आप देखते रहिए, बिकॉज वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ जो कि आपको और भी ज़्यादा फास्ट कर देगा। तो चलिए क्यूब को हम करते हैं थोड़ा बहुत स्क्रैम्बल। और लेयर बाय लेयर मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे, लेयर। तो चलिए एक वाइट लेयर बनाते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर रहा रेड एंड ग्रीन पीस, यहाँ पर ब्लू पीस, यहाँ पर ग्रीन पीस। तो ये जाएगा बेसिकली यहाँ पर, और ये रहा इसको साइड को फेस कर रहा है, तो हम इसको एंटर कर सकते हैं। और ये रहा लास्ट पीस रेड और ब्लू, और इसको हम ऐसे इंसर्ट करते हैं। मैंने इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी आपको ये पता है कि कैसे करते हैं। अगर नहीं पता तो जाके फिर से वो वीडियो एक बार देख लीजिए, कार्ड में आपको मिल जाएगा, बस एक बार चेक कर लीजिए। तो इसके बाद दोस्तों हम बेसिकली क्या करते थे, बस एक ही मूव परफॉर्म करके, जैसे कि आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम करके ऊपर बार बार उस एल्गोरिदम को कंटिन्यू करके ऊपर हम लोग येलो फेस लाते थे। लेकिन उसके लिए हमें 5 या फिर कभी कभी 4 से 5 बार हमें वो एल्गोरिदम यूज़ करना होता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे OLL हम सीख लेंगे और बस आपको 5 ही OLL सीखना होगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अगर आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है देन आपको ऑलरेडी सभी एल्गोरिदम्स पता होंगे। और अगर आपको नहीं आता 3x3 में OLL करना देन ऑलरेडी आपको फिर भी एक एल्गोरिदम पता है, आपको बस बाकी 4 सीखना होगा। बट इट्स प्रीटी इजी और मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहला है ये एक केस जहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर एक बार और यहाँ पर आपको मिलेगा एक येलो, दोनों ऐसे फेस करके ऑपोजिट साइड में। और ऐसे सिचुएशन के लिए आप क्यूब को ऐसे फेस कीजिए और ये एल्गोरिथम परफॉर्म कीजिए, सुपर इजी। इफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, और देखिए आपका ऊपर सब अब येलो हो चुका है। तब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर फिर से हमारे पास है कि यहाँ पर एक बार या फिर हेडलाइट आप बोल सकते हैं, और ये दोनों येलो पीस अब टॉप में है, पिछली बार थे ऑपोजिट में, अब ये है टॉप में। और इसके लिए अगर आप इस सिंपल एल्गोरिदम को फॉलो करें देन हो जाएगा, और वो है बस एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, और देखिए ऊपर अब येलो हो चुका है। तो नेक्स्ट सिचुएशन दोस्तों बहुत ही सिंपल है रिकॉग्नाइज करने के लिए, दोनों हेडलाइट्स ऑपोजिट साइड में है, किसी भी एक साइड को, इधर इस साइड को या फिर इस साइड को, दोनों में से किसी भी एक साइड को सामने फेस कीजिए और ये एल्गोरिदम परफॉर्म कीजिए आर टू यू टू आर यू टू आर टू, और देखिए हो जाएगा। और ये भी परफॉर्म करना बहुत ईजी, आर टू यू टू आर यू टू आर टू, और ये सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट एल्गोरिदम है कुछ इस टाइप का सिचुएशन जहाँ पर आपको मिलता है एक लाइट ऊपर में और ये दोनों ऐसे फेस कर रहे हैं। और इस सिचुएशन के लिए इस पीस को यहाँ पर रखिए, यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर पे, और इस एल्गोरिदम को परफॉर्म कीजिए आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम, और ये भी परफॉर्म करना बहुत ईजी, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट सुपर इजी। और मुझसे भी फास्टर क्यूबर्स जो है वो इससे भी जल्दी कर लेते हैं, 1 सेकंड से भी कम समय में। तो नेक्स्ट सिचुएशन दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है और ये है प्रिटी मच पहले जैसा है, लेकिन इस बार लाइट कुछ है ऐसे में और ये जो एक लाइट है हमें फेस कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपको क्यूब को ऐसे होल्ड करना होगा और वही नोन एल्गोरिथम परफॉर्म करना होगा, जो कि है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, और ये भी परफॉर्म करना बहुत ईजी है। ये रहा,
ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट सिचुएशन के लिए आपको कुछ इस ऐसा OLL मिलेगा जहाँ पर ये दोनों ऑपोजिट में है और ये एल्गोरिथम आप परफॉर्म कीजिए। ये भी बहुत ही ईजी है। प्राइम यू और प्राइम एफ प्राइम, मैं फिर से दिखा देता हूँ। आर यू आर प्राइम यू आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। तो नेक्स्ट सिचुएशन दोस्तों कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको ये दोनों ऐसे टॉप में मिलेंगे और ये दोनों ऑपोजिट में। क्यूब को ऐसे फेस कीजिए और ये एल्गोरिथम परफॉर्म कीजिए एफ प्राइम। और देखिए एफ प्राइम के लिए मैंने इस फिंगर का यूज किया। एफ प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर, और देखिए ये हो जाएगा। तो OLL के बाद अब आता है PLL, और आपको 2x2 रूबिक्स क्यूब में बस दो ही टाइप के PLL मिलेंगे। अगर आप लेयर बाय लेयर मेथड्स यूज कर रहे हैं तो, अगर एडवांस हो यानी कि ऑर्टेगा, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा बाद में। लेकिन सबसे पहले मैं दो सिचुएशन दिखा देता हूँ। एक सिचुएशन है जहाँ पर आपको मिलेगा एक ऐसा एक बार मिलेगा किसी भी एक कलर का और बाकी सारे पीसेस ऑपोजिट कलर के होंगे, जैसे कि ग्रीन ब्लू, और यहाँ पर देखिए बस ये दोनों ऑपोजिट कलर के होंगे। और वो भी देखने की जरूरत नहीं, बस एक बार मिल जाए बस आप समझ लीजिए आपको ये एल्गोरिथम परफॉर्म करना होगा। और एल्गोरिथम आपके स्क्रीन के ऊपर है। आर यू आर प्राइम यू एफ प्राइम आर टू, और ये सॉल्व हो जाएगा। मैं फास्ट करके दिखाता हूँ। कैमरा के लिए अटक गया बट इट्स वेरी फास्ट एल्गोरिथम, और प्रैक्टिस करने के साथ आप फास्ट बन जाएंगे। तो नेक्स्ट PLL सिचुएशन में दोस्तों आपको कोई भी बार नहीं मिलेगा, ये बस कलर्स है, सभी ऑपोजिट है, आप देख सकते हैं कलर्स। और इसके लिए किसी भी साइड से आप क्यूब को फेस कीजिए, डजंट मैटर, और ये एल्गोरिथम परफॉर्म कीजिए एफ आर यू आर एम यू। और इसके बाद दोस्तों देखिए वो OLL सिचुएशन आ गया जो कि आपको पहले से ही पता होगा, और ये सॉल्व हो जाएगा। और प्रैक्टिस के साथ इसे भी आप फास्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट द फास्टेस्ट क्यूबर बट या, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई एम सॉरी क्योंकि वीडियो अभी तक एंड नहीं हो चुका है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक टिप दूंगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो सपोज आप क्यूब को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और आपको आप हमेशा की तरह यहाँ पर जाएंगे वाइट वाइट लेयर के लिए, आप इसको इंसर्ट करेंगे, आप देखेंगे कि बाहर है तो आप इसको बाहर निकालेंगे। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। दोस्तों दूसरे लेयर्स को भी देखिए एक बार, देखिए यहाँ पर ब्लू लेयर कितनी अच्छी तरीके से मेड है। देखिए ये दोनों पीस बस एक ही पीस अवे है, यानी कि ये पीस, मतलब आप सिर्फ दो मूव करके एक लेयर को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी आप 2x2 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करेंगे आप हमेशा उसी लेयर से स्टार्ट कीजिए जो कि आपको इजी लगेगा मेट करने के लिए। यहाँ पर अगर आप वाइट बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे मूव्स लगेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर आप इस ब्लू को बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली बस तीन मूव से आप लेयर को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद आप OLL में आ जाएंगे, और कैसे आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, देखिए बेसिकली ब्लू का ऑपोजिट कलर होता है ग्रीन, और आप इसके बाद OLL में आ जाएंगे, और इसके बाद आप डायरेक्ट PLL में आ सकते हैं। और देखिए कितना फास्ट ये क्यूब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ लेयर बिल्डिंग का, ऑल्दो आई एम नॉट द बेस्ट एट इट। ओके दोस्तों, तो ये सिचुएशन देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक रेड बार है, और यहाँ पर एक पीस है, और यहाँ पर एक पीस। आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए अगर आप इसको निकालेंगे, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूम करेगा। इसके बदले में अगर आप बस इस पीस को अगर बस यहाँ पर लेके आते हैं तो देखिए ये बार मेड हो जाएगा। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। बस इसको निकालने के वजह मैंने इसको बस एक मूव कर दिया, और देखिए ये इसके साथ बिल्ड हो गया। लेकिन इसके बाद रह जाता है ये पीस, और हम शॉर्टकट क्या कर सकते, देखिए अगर मैं बस इसको पहले एक बार इसके साथ मिला देता हूँ तो देखिए यहाँ पर लेयर बिल्ड हो गया, मतलब एक बार बिल्ड हो गया। और अगर मैं इसको डाउन कर दूँ तो हो जाएगा, मतलब मैंने सिर्फ दो मूव में ही लेयर कंप्लीट कर दिया जस्ट सो फास्ट, और देखिए लेयर कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो और एक सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे सिचुएशन आपको बहुत मिलेंगे, और वो है कि एक बार आपको ऑलरेडी कंप्लीट होगा, लेकिन इसके साथ रेड पीस मैच है लेकिन ये कलर मैच नहीं हो रहा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए इस लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर इसको लाइए, ये एक ट्रिक है, इसके ऊपर लाइए और बस इस मूव को परफॉर्म कीजिए R2, और देखिए यहाँ पर अब ये मेड हो जाएगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, R2 कर दिया
और अब इसको यहाँ पर मूव करके हमने बस इसको इंसर्ट कर दिया और लेयर बिल्ड हो जाएगा। तो बस एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि ये मेथड सच में बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बोलूँगा कि आप हर टाइप के लेयर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या फिर कुछ एग्जांपल्स देखिए, लोगों से बात कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, और कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।